ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾਤਲ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। खट्टर का भी बयान आया कि इन्हें डांगा मारो जेलों से जाओ तो तुम वड्डे लीडर बनोगे। जेड़े किसानों को कुटणगे उन्होंने वड्डे लीडर नवाजा देगा। देश में कट दिता गया, दुनिया में कट दिता गया लखीमपुर खीरी के नालों के उस असली गल ना पहुँच सके। उत्थे किसानों के उत्ते परचे दर्ज किए गए और परचे होर भी तरह तरह धमकियां दित्तियां जा रही, गिरफ्तारियां की जा रही। मोदी तो लैके मोदी भी लगातार यह जो काम कर रहा, वो मिनिस्टर कह रहा, वो मुख्यमंत्री कह रहा, तो उन्होंने लैके अच्छे अभी पुतला फूकिया और ये लड़ाई है किसानों की जारी रहेगी। कारण की है हम उत्थे क्यों जो रोका जा रहा है, दसा जा रहा है कि डिप्टी सीएम सीएम जिहड़े उन्होंने भी उत्थे मनाही करती है जाने की, नाल ही प्रियंका गांधी भी गिरफ्तार कर लिया जाते। देखो असल दे विच तां इह जिहड़ी सरमाएदारी है ते चाहुंदी है कि इस सिस्टम नूं आपके हाथ से ले लिया जाए, जिवें दुनिया की पहला बाहर दी कंपनियां ने आके साडे देश ते कब्जा किया सी। अजे 8 बंदियां दा कतल होया इह भय पैदा करन वास्ते है, पर उन्होंने यह नहीं पता कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने सानू ऐसे बनाया, जबे बाण लग गए तबे रोस जागे। खेती कानूनों नूं लैके पिछले 10 महीनों तो उपर का समा हो गया, जिहड़े किसान ने दिल्ली के बार्डर से डटे हुए ने, तो संयुक्त मोर्चे वालों एक कॉल दी गई सी कि जो भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे ने, मंत्री ने, उन्हां दे MLA ने जां आगू ने, तो उन्हां दा जदों भी किते आउंदे आ उन्हां दा रोस प्रदर्शन आ जिहड़ा कालियां झंडियां दे नाल कीता जाएगा। तो इसे नूं लैके यूपी दे विच भी जदों एक डिप्टी सीएम का कोई प्रोग्राम सीगा तो उसका भी जिहड़ा कालियां झंडियां दे नाल जिहड़ा उत्थों दे किसान जिहड़ा रोस प्रदर्शन करदे सी, तां उत्थे एक केंद्रीय राज मंत्री दे पुत्र आउंदे ने, तो जो उसका रोस प्रदर्शन जो वजों उदियां कालियां झंडियां दिखाइया जा रही हैं, तो दसिया जा रहा है कि उत्थे उस जिहड़ा व्यक्ति वल्लों किसानां दे उत्ते गड्डियां भी चढ़ाइया गई, तो नाल यह भी गल सामने आई कि गोलियां भी चलाईया गई, तो जिथे 8 किसानां दी मौत हुई है, तो उसनों लैके अज संयुक्त मोर्चे वालों भी कॉल दी गई है। पूरा जिहड़ा रोस प्रदर्शन पंजाब दे विच जां होर सूबियां दे विच हो रहा, तो नाल ही आम आदमी पार्टी वालों भी पुतले फूके जा रहे हैं। फरीदकोट की गल करते हैं, फरीदकोट के भी गुरदित सिंह सेखों ने हलका इंचार्ज उन्हों की अगवाई के पुतला फूकया गया है। गुरदित जी साढ़े नाल गलबात करते हैं, गुरदित जी की कारण है लगातार जी भारतीय जनता पार्टी खेती कानून रद्द करने की बजाय किसानों से अटैक कर रही है? देखो अज जे दुनिया के वेखी असी तो दुनिया के इतिहास के एक होर काला दिन जुड़ गया है और जिद हमेशा भारत के लोग आ शर्मसार होंगे रहेंगे। सरकार क्यों बनाने असी, सरकार का मकसद की हों, सरकार ने वो कम करने जिद सौखे हो सकन। लगातार एक साल तो किसान ये कह रहे कि जेडे तुसी कानून बनाए है वो कानून गलत है और वो उत्ते लगातार साढ़े 800 के करीब किसानों दी जाना जा चुकी हैं। हुण जिहड़ा प्रोटेस्ट करते हैं, रोस करते हैं, रोस धरने दिते जा रहे हैं, किते भी जगह पर अज तक किसानों वालों कोई उग्र प्रदर्शन नहीं किया गया। जिन्ना चेर इन्हों वालों तुसी देखिया, खट्टर का भी बयान आया कि इन्हां दे डांगा मारो जेलों च जाओ तो तुम वड्डे लीडर बनोगे। जिहड़े किसानों नूं कुट्टणगे उन्हां नूं वड्डे लीडर नाल नवाजा जाऊगा। राज मंत्री है जिहड़ा सेंटर दा, वो किसानों नूं सुधर जाण दीआं धमकियां दिंदा और उसे दे मुंडे वल्लों किसानों दे उत्ते गड्डियां चढ़ाईआं जांदीआं। किसान तां आपदा गल दसण वास्ते जा रहे, जो तुसीं गल सुणदे नहीं किसे दी, तां उह धरना जिहड़ा लग्गिआ सी पर कल कतल कर दित्ते गए 8 किसान और बाकी हले 20 दे करीब जिहड़े साडे किसान हैं वह फटण ने, कुछ उन्हां दे विचों सीरीयस है। परमात्मा कृपा करे दूजीआं जानां बचण, नहीं तां काफ़ी हालत दे विच जिहड़ी बुरी है। और उस तों अगे उत्थे जाण नहीं दित्ता जा रहा, देश नूं कट दिता गया, दुनिया नूं कट दिता गया लखीमपुर खीरी दे नालों कि उस असली गल ना पहुँच सके। उत्थे किसानों के उत्ते परचे दर्ज किए गए और परचे होर भी तरह तरह दीआं धमकियां दित्तियां जा रही, गिरफ्तारियां कीतियां जा रही और उन्हों जिहड़ा हैगा बचाउण वास्ते एक गुंडे बंदे नूं, एक जिन्हें 8 कतल किए हैं उन्होंने बचाने वास्ते जिहड़ियां सरकारां लगियां होईयां उहदे वास्ते असीं अज इत्थे जिहड़ा हैगा उहदा पुतला फूकिया मोदी का भी, क्योंकि सारी सरकार ही घट गया। मोदी तो लैके मोदी भी लगातार इहो जिहे काम कर रहा, उहदे मिनिस्टर कह रहा, उहदे मुख्यमंत्री कह रहा, तो उन्होंने लैके अज असीं पुतला फूकिया और यह लड़ाई है किसानों की जारी रहेगी, क्योंकि देश में
तो दुनिया के जेडे खाण वाले अन्न खाण वाले लोग है ये उन्हां दी लड़ाई है उन्हां वास्ते किसान लड़ रहा कि भुखे ना मरन। 16 रुपये 18 रुपये सेब खरीद के पौने 300 रुपये वेचा जा रहा है, 14 रुपये अपना झोना खरीद के जोड़ा है वो 50-50 रुपये खरीदया जा वेचा जा रहा। अज हम तुम देखो मंडियां दे जीओ दियाँ जोड़े वो किटा आ गई, इतने भी 150 रुपया घट के जोड़े प्राइवेट बंदे खरीद रहे। तो यह जो कुछ हो रहा है हले तक कानून पूर्ण रूप से लागू नहीं होया, हले तो असं धरनों पर बैठे सड़ रहे कुछ हो रहा। तो जदों असी किसान आ जोड़े वो धरने तो पिछे हट जाएंगे तो देश के जोड़े अन्नदाता है वह बहुत बुरा हाल होगा। पर असी कंडेम करते हैं, बहुत घटिया काम किया मोदी सरकार के मिनिस्टर ने और ये पूरे देश का जोड़ा सिर नीवा होया अंतरराष्ट्रीय लैवल उत्ते के प्रोटेस्ट करते शांतिपूर्वक बैठे लोगों के उत्ते जिमें जलियाँवाले बाग च गोली चलाई सी जलियाँवाले बाग जिन्ना ही घिनौना जो अपराध है मिनिस्टर के मुंडे गुरदित जी। जिमें हुण अपने देश दे विच डेमोक्रेसी है लोकतंत्र दे विच हर नागरिक का हक है प्रदर्शन करन दा आपदियां मंगां वास्ते, ते कारण की है हुण उत्थे क्यों जिहड़ा रुकिया जा रहा है दस्सिया जा रहा है कि डिप्टी सीएम सीएम जिहड़े उन्हां नूं भी उत्थे मनाही करती है जाण दी, नाल ही प्रियंका गांधी नूं भी गिरफ़्तार कर लिया जो जांदे, कारण क्यों है उन्हां नूं की डर है उत्थे जाण के उन्हें दे रहे? देखो असल दे विच तां इह जिहड़ी सरमाएदारी है इह चाहुंदी है कि इस सिस्टम नूं आपदे हत्थ 'च लै लिया जावे, जिवें दुनिया दी पहलां बाहर दीआं कंपनियां ने आके साडे देश 'ते कब्जा कीता सी, हुण भारत दीआं कंपनियां दे राहीं फिर बाहरला सरमाया उन्हां लोकां दा ही है, उह सरमाएदारी नाल जिहड़ी उह इस दे उत्ते कब्जा करना चाहुंदी है और उन्होंने यह कि जेड़े लोग लड़ रहे हैं इन्हों खत्म कर दिता जाए आर्थिक तौर पर भी शरीरक तौर के उत्ते भी लोगों के मन च भय पैदा किया जाए। आ जोड़े 8 बंदों का कतल होया ये भय पैदा करने वास्ते है, पर उन्होंने ये नहीं पता कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने सानू ऐसे बनाया जबे बाण लग गयो तबे रोस जाग्यो, सारी दुनिया में लंगर छकाने वाला सिख है, जदों इस तरह का होगा तो साढ़े को सिर नहीं मुके हले पंजाब के लोगों को कौम को हले सिर नहीं मुके, चाहे हज़ार भी साढ़े जे 800 बंदा साड़ा दिल्ली शहीद होया जे हज़ार बंदे होर भी शहीद हो जाएंगे, पर असी इस दुनिया के उत्ते साड़ी ड्यूटी लाई है महाराज ने कि गरीब की रोटी की खातर तुम लड़ना वो लड़ाई किसान लड़ रहे। तुम खट्टर की गल की है, खट्टर का जो बयान किमें मानते हो, खट्टर का बयान इस मामले तो पहला आया या ये भी मान सकते हो तुम जे खट्टर के बयान तो प्रभावित होकर जोड़ा ये कांड वापर हो? खट्टर ने भी बयान दिता और मुंडे के प्यो ने राज मिनिस्टर है जिहड़ा मिश्रा जी उन्हें आप कहा किसानों नूं धमकी दी है बकायदा 2 दिन पहला, ये सारी बीजेपी की पूरी भारत के अंदर पॉलिसी है कि धमकी दे के लोगों नूं डराओ और जिहड़े बंदे इन्हां दे मूर्ख लोग है वह तो कह रहे डांगा मारो, खट्टर कह आपदे उन्हां नूं कह रहा कि तुसीं डांगा मारो किसानों दे कि मूर्ख बंदे आ जिहड़े किसानों नाल जाके लड़नगे लड़ाई होगी जे कितें इन्हां दा कोई मर गया, साडे किसान तां कही जांदे सिर च लाठियां खाणियां बह के कुट खाधी है, तुसीं देखिया पिछले दिन किसानों की मौत हुई है लाठीचार्ज के नाल, हुण भी असीं तां जिहड़ा बैठ के 8 बंदे साडे बैठे मारे गए, तो यह चाहुंदे आ वी जे कितें उन्हां दा वी कोई बंदा मर जाए जिवें आह कुछ होया गड्डियां सड़ियां इत्थों हले पता नहीं लग्गिया क्योंकि लोगों तक गल ही नहीं पहुँच रही वी उह गड्डियां नूं अग्ग वी हो सकदा उन्होंने आप लाई होवे। जो घटना वापरी है ये भी जिहड़ा मंत्री साहब का बयान आ रहा है कि जिहड़ा उन्हां दा पुत्र उत्थे मौजूद ही नहीं सीगा, क्यों नहीं मौजूद सी? लोगों ने भजदा देखिया उन्हूं भजदा हवाई फायर किया उन्हें लोग किसानों के उत्ते फायरिंग की है मौके के उत्ते चैलेंज करके गया लोगों नूं सारा कुछ होया और इस गल नूं दबाउण वास्ते हुण जिहड़ा किसानों के परचे किए जा रहे पर यह बर्दाश्त नहीं होगा, पूरा देश पूरी दुनिया जिहड़ी आ उह उन्हां 8 किसानों के कतल का बदला लैके रहूगी। लास्ट सवाल है हुण तुसीं की तुहाडी मंग की है क्योंकि ये दस्या जा रहा है कि मंत्री ते उसके जिहड़ा सपुत्र है दोनों ते FIR आ जिहड़ी दर्ज कर ली है, हुण तुहाडी मंग की है? साडी मंग यही है भी 8 बंदिआं दे कातल नूं जल्दी तो जल्दी जेल च पहुँचा जाए, फास्ट ट्रैक राही उन्होंने कतल का मर जरा मुकदमा चला के फांसी की सज़ा दी जाए ता कि किसी बंदे की हिम्मत ना पवे कि यहो जहा घिनौना अपराध करे। 8 बंदिआं का कतल कर देना कोई छोटी मोटी गल नहीं, हर एक बंदा उठ के जिहड़ा किसी का सारे क्योंकि सरकारां काम नहीं करदियां आपदा काम कराने वास्ते अज हर बंदे नूं जिहड़ा धरना देना पैंदा जिहड़े बच्चों नौकरियां ते लगना से मैडिकल कॉलेज दे विच धरना लग्गिया हुआ हर रोज़ सानूं फसलां चकाउण वास्ते धरना लाउणा पिया, तो इस तरह के हंकारे हुए लोग है किते भी जाके लोगों के उत्ते आपदे जिहड़े साधन चढ़ा के लोगों का कतल कर देणगे, ये फास्ट ट्रैक के राही 2-4 दिनों के इन्हां नूं फांसी की सज़ा दी जानी चाहिए है और राज्यसभा जिहड़ा मिनिस्टर ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਖੱਟਰ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਖੱਟਰ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਅਕਸਾਉਂਦੇ ਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਨ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ रोस पाया जा रहा जो घटना वापरी है बीते कल यूपी के लखमीरपुर के उसू लैके जिते किसान संयुक्त किसान मोर्चा है उन्होंने वालों कॉल दी गई है तो पूरे जिहड़ा देश के दे
खास करके पंजाब दे विच हैडक्वार्टर ते जिहड़े संयुक्त मोर्चे दे जिहड़े जिन्ने नुमाइंदे है उन्हां दे वर्कर आ उह पहुंचे होए ने ते मंग पत्र दे रहे ने। उत्थे ही आम आदमी पार्टी वल्लों वी जिहड़ा पुतला फूक के ये मंग कीती है कि उन्हां जिहड़े दोषी व्यक्ति है उन्हां नूं जल्दी उन्हां दी गिरफ्तारी होवे ते उन्हां नूं जिहड़ी बनदी सज़ा दित्ती जावे। गुरजीत सिंह रमाणा, ग्लोबल पंजाब टीवी, फरीदकोट। हुण तुसीं देख सकदे हो ग्लोबल पंजाब टीवी नूं। डाउनलोड करो साडी ऐप एंड्रॉयड जां आईओएस ते फ्री विच रोकू अते अमेज़न फायर टीवी ते जां एप्पल टीवी ते। नाल ही देख सकदे हो लाइव स्ट्रीमिंग www.globalpunjabtv.com ते।